Hello everyone, welcome to my channel. I'm Kushal and today I'm going to teach you the sixth chapter of the book Vistas. This is written by Susan Hill. Let me tell you what does the title mean. On the face of it is actually an idiom which means on the surface or apparently. Okay, so it gives a clue about the theme of the play, that appearances are always deceptive. Sometimes a person may be different from what we think of him. Okay, so we should never judge a person from his appearance. Okay, let's start. This is a play featuring an old man and a small boy meeting in the farmer's garden. This is a play about an old man. Okay, old man is Mr. Lamb in this play, and a small boy who meet in Mr. Lamb's garden. Former means Mr. Lamb's garden. Okay, the old man strikes up a friendship with the boy who is very withdrawn and defiant. And the old man befriends the boy. The boy's name is Derry, or you can say Derek. Okay, so he befriends him, and actually the boy is, however, withdrawn. Withdrawn means reserved. Wo bacha thoda reserved hai, defiant hai, thoda aggressive hai. स्टिल वो उसको भी फ्रेंड कर लेता है, दोस्त बना लेता है. वट इज़ द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू. सो लेट्स सी वट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन द टू विच यूनाइट्स दैम. उनमें क्या सिमिलैरिटी है जो कि उनको एक करता है, वो हम देखेंगे. सीन वन, मिस्टर लैम्स गार्डन. देर इज द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड ऑफ ट्री लीव्स रसलिंग. मिस्टर लैम्स गार्डन इज मीन्स द सीन इज द फर्स्ट सीन इज picturized in Mr. Lamb's garden, and there is occasional sound of chirping of bird, chirping of birds and of tree leaves rustling. Derry's footsteps are heard as he walks slowly and tentatively through the long grass. Tentatively means hesitatingly, मतलब हिचकिचाते हुए. Derry's footsteps can also be heard in the garden. He is walking slowly and hesitatingly. Okay. ही पॉजेज, देन ही पॉजेज सडनली. फिर वो अचानक से गार्डन में आकर के रुक जाता है, एंड देन वॉक्स ऑन अगेन, एंड देन ही स्टार्ट्स वॉकिंग अगेन. ही कम्स राउंड अ स्क्रीन ऑफ बुशेज, एंड देन ही रीचेज नियर अ स्क्रीन ऑफ बुशेज. बुशेज का जो स्क्रीन होता है उसके पास आके मतलब उसके पास पहुँच जाता है वो. सो दैट वेन मिस्टर लैम स्पीक्स टू हिम, येस, एंड एट दिस टाइम मिस्टर लैम स्पीक्स टू हिम. यहाँ पर मिस्टर लैम, जिसका वो जो गार्डन होता है, वो उसको उससे बात करने लग जाता है, उसको बोल लेता है. ओके, ही इज क्लोज एट हैंड एंड डैरी इज स्टार्टल्ड. सो मतलब इस वक्त जो डैरी है, जो बच्चा है, वो उसके बिल्कुल पास में आ गया होता है, और जब वो एकदम से उसको बोलता है तो वो चौंक जाता है. डैरी स्टार्टल्ड हो जाता है. स्टार्टल्ड मीन्स सरप्राइज्ड. ओके, सो डैरी इज अलार्म्ड व्हेन मिस्टर लैम स्पीक्स टू हिम सडनली. सडनली उसे बोलते तो बड़ा अलार्म्ड हो जाता है. ठीक है, मिस्टर लैम माइंड द एप्पल्स. मिस्टर लैम उसको कहता है कि भाई मतलब एप्पल्स हैं तो एप्पल्स का ध्यान रखना है ना, यानी कि कहीं वो गिर ना जाए एप्पल्स के ऊपर टकरा करके, या उसके पैर के नीचे जब एप्पल्स आए तो कहीं गिर ना जाए. डैरी व्हाट, हु इज़ दैट, हु इज़ देयर. सो डैरी गेट सरप्राइज एंड ही आस्क हु इज़ देयर, है ना, वो सरप्राइज होता है, पूछता है कौन है. मिस्टर लैम, लैम्स माई नेम. माइंड द एप्पल्स, क्रैब एप्पल्स दोज आर. And wind falls in the long grass, you could trip. Trip means fall down, gir jana. So Mr. Lamb tells his name, and then he sees, then he says that they are crab apples and they have fallen down in the long grass due to wind, and he should take care, he should walk carefully lest he should fall down. किसको ध्यान से चलना चाहिए, कहीं वो गिर ना जाए. डैरी, आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस. मीन्स डैरी हेजिटेट्स एंड ही टेल्स दैट ही थॉट दैट द गार्डन वॉज एम्प्टी. आई डिडेंट नो देर वॉज एनीबडी हेयर, एंड ही सेज दैट ही डिड नॉट नो दैट एनीबडी लिव्ड हेयर, है ना, कहता है कि उसको नहीं पता था कि यहाँ कोई रहता था, रहता है. ओके, मिस्टर लैम, दैट्स राइट. सो मिस्टर लैम मेक्स हिम कम्फर्टेबल. ओके, ट्राइज टू मेक हिम फील कम्फर्टेबल. वट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, दैट्स ऑल राइट. ही सेज दैट ही हैज एंटर्ड, सो मीन्स ही हैज़ नो ऑब्जेक्शन, सो ही शुड नॉट फील
afraid. Should not get afraid. Okay. Derry, I thought it was empty, an empty house. Again, he tells that he thought that it was an empty garden, it was empty house. है ना कि भाई ये तो एम्प्टी था, ये घर खाली था, तो इसको लगता था कि यहाँ कोई नहीं रहता है, इसलिए ये आ गया था. मिस्टर लैम, सो इट इज़, हाँ ये तो खाली ही है, घर तो खाली ही है. सिंस आई एम आउट हियर इन द गार्डन, बिकॉज ही सिटिंग इन द गार्डन, इट इज़ एम्प्टी, है ना. सो हाउस इज एम्प्टी अनटिल आई गो बैक इनसाइड. इन द मीन वाइल आई एम आउट हियर एंड लाइकली टू स्टॉप अ डे लाइक दिस ब्यूटिफुल डे, नॉट अ डे टू बी इनडोर्स. यस, देखिए क्या बता रहा है मिस्टर लैम जो है यहाँ पर, तो कहता है कि हाँ घर तो खाली ही है, जब तक मैं गार्डन में हूँ तब तक तो घर खाली ही है. इट इज़ एम्प्टी एंड द हाउस इज एम्प्टी एंड इट विल बी एम्प्टी अनटिल ही गोज इनसाइड. इन द मीन टाइम आई एम आउट हियर एंड लाइकली टू स्टॉप एंड ही इज़ गोइंग टू स्टॉप इन द गार्डन फॉर सम टाइम. अ डे लाइक दिस मीन्स इट इज़ अ ब्यूटिफुल डे एंड सच अ ब्यूटिफुल डे इज स्पेंट इन द गार्डन. ब्यूटिफुल डे, नॉट अ डे टू बी इनडोर्स, मीन्स इनडोर्स रहने का दिन नहीं है ये. डेरी पैनिक, घबरा जाता है. आई हैव गो टू गो, ही सेज दैट ही हैज टू गो, कहता है मुझे जाना होगा. मीन्स ही गेट्स नर्वस, बड़ा ही नर्वस हो जाता है वो. नॉट ऑन माई अकाउंट, कहता है नहीं मेरे कारण से मत जाओ तुम. आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन, मीन्स ही हैज नो ऑब्जेक्शन टू एनी वंस कमिंग टू हिज गार्डन. द गेट इज ऑलवेज ओपन एंड ही कीप्स हिज डोर ओपन, ही कीप्स हिज गेट ओपन. कहता है कि मैं अपना हमेशा जो घर का गेट है वो हमेशा खुला रखता हूँ. ओनली यू क्लाइम द गार्डन वॉल एंड एट दिस टाइम ही सेज दैट इट वॉज ओनली ही हु यूज्ड वॉल to get into his garden. Derry angry, you were watching me. So Derry gets angry and he says that he was, he tells him that he was observing him, means he was keeping an eye. It means Mr. Lamb, I saw you, yes maine aapko dekh liya tha, but the gate is open. Bacche gate open rehta hai, all welcome, and he welcomes all the people, all the children, you are welcome. So he also welcomes him. I sit here, और कहते मैं यहाँ बैठा रहता हूँ, भाई बैठता हूँ यहाँ पर. आई लाइक सिटिंग, क्योंकि मुझे यहाँ बैठना पसंद है. तो मैंने मतलब तुम्हें देख लिया था, ठीक है. और उसके बाद क्या कहते हैं, Derry, I had not come to steal anything. Derry says that he has not entered the garden with the intention of stealing anything. Mr. Lamb, no, no, the young lad steal. अरे नहीं बच्चे, तुम चोरी के लिए थोड़ी आए हो भाई. यंग बच्चे चुराते हैं, यंग मीन्स छोटे बच्चे, लैड्स मीन्स लड़के, छोटे लड़के, छोटे बच्चे चुराते हैं. स्क्रम्स द एप्पल्स, है ना, मीन्स स्क्रम्प द एप्पल्स. छोटे बच्चे जो है स्टील करते हैं, वो स्क्रम्प मीन्स स्टील फ्रूट, फ्रूट चुराना. छोटे बच्चे फ्रूट चुराते हैं. यू आर नॉट सो यंग, तुम इतने छोटे नहीं हो. डैरी, आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन टू द गार्डन. ही मीन्स अगेन टेल्स हिम दैट ही हैड कीन डिजायर टू एंटर द गार्डन. मिस्टर लैम, सो यू डिड, हाँ तो क्या हुआ, तुम आ गए हो, तुमने एंटर कर लिया है. हेयर वी आर देन, अब हम यहाँ पर हैं, क्या प्रॉब्लम है, है ना. कहने का मतलब कंफर्टेबल फील करो, डरो मत लड़के. डैरी, यू डोंट नो हु आई एम, कहता कि आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ. मिस्टर लैम, अ बॉय 13 और सो, कौन हो, लड़की हो 13 साल के. ओके, यस मिस्टर लैम, अब यस डैरी 14, कहता है नहीं मैं 14 का हूँ. पॉज, रुक जाता है. बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, गुड बाय, ही सेज दैट ही हैज़ टू गो. मिस्टर लैम, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, ही सेज दैट देर इज़ नथिंग टू गेट अफ्रेड, कि भी डरने वाली कोई बात नहीं है. जस्ट अ गार्डन, जस्ट मी, कि गार्डन है और मैं हूँ, है ना. तो डैरी कहता है बट आई एम नॉट अफ्रेड. ही सेज दैट ही इज़ नॉट अफ्रेड, इज़ नॉट गेटिंग अफ्रेड, कहता है वो नहीं डरता है. पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, इंस्टेड पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम, इसकी बजाय मतलब वो नहीं डरता है किसी से, इसकी बजाय लोग उससे डरते हैं. मिस्टर लैम, व्हाई शुड दैट बी, क्यों ऐसा क्यों है, कहता है भी ऐसा क्यों है, लोग क्यों डरते हैं. Derry, everyone is, means he says that everyone is afraid of him. It doesn't matter who they are, means it doesn't matter who the people are, कि वो लोग कौन है, वो खुद क्या है, और what they say, या खुद वो क्या कहते हैं, और how they look, या खुद कैसे दिखते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन हर कोई उस पर, मतलब उस हर कोई उससे डरता है. How they pretend, और कैसे वो pretend करते हैं, इस बात से भी matter नहीं करता. I know, I can see, मैं जानता हूँ, मैं सब समझता हूँ, है ना. मिस्टर लैम, सी वॉट, क्या क्या समझते हो. Derry, what they think, जो वो लोग मतलब सोचते हैं वो मैं सब समझता हूँ. मिस्टर लैम, what do they think then, क्या सोचते हैं फिर वो,
क्यूरियस होकर के पूछता है उससे कि क्या सोचते हैं वो. डेरी यू थिंक हियर इज अ बॉय, यू लुक एट मी एंड देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक दैट्स बैड, दैट्स अ टेरिबल थिंग, दैट्स अगलीस्ट थिंग आई एवर सॉ. कहते हैं कि तुम देखो मेरी तरफ, हियर इज अ बॉय, तुम देखो कि भाई आपके सामने एक लड़का है ना, मेरी तरफ देखो एंड देन यू सी माई फेस, और तुम मेरा चेहरा देखो तो आप भी वही सोचोगे. क्या सोचोगे? दैट्स बैड, क्यों हो, बहुत बुरा है ये चेहरा तो. दैट्स ए टेरिबल थिंग, बहुत ही मतलब ख़राब चीज़ है ये तो, उसका चेहरा मतलब बहुत ही ख़राब है. दैट इज़ द अगलीस्ट थिंग आई एवर सो, मतलब ये इतनी भद्दी चीज़ है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी, मतलब जो चीज़ें मैंने देखी उनमें सबसे भद्दी चीज़ यही है. क्यों? उसका चेहरा जो होता है वो एक साइड से एसिड से जला हुआ था, तो इसलिए. ठीक है ना, कहते हैं लोग उससे डरते हैं, है ना. तो यू थिंक, आप सोचो, पुअर बॉय, बेचारा लड़का, बट आई एम नॉट, लेकिन मैं नहीं डरता. नॉट पुअर, मैं पुअर नहीं, मतलब नॉट पुअर, है ना. अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, और कहीं ना कहीं आप ही डर रहे हो, आप भी डर रहे हो दूसरे लोगों की तरह. एनीबडी वुड बी, कोई भी डरेगा मेरे चेहरे को देख करके. ये डेरी बोल रहा है, ये लड़का बोल रहा है. व्हेन आई लुक इन द मिरर, जब मैं मिरर में देखता हूँ, एंड सी इट आई एम अफ्रेड ऑफ मी, जब मैं मिरर में अपने आप को देखता हूँ तो मैं खुद ही डर जाता हूँ. ओके, यस. मिस्टर लैम, नो, नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू. कहते हैं नहीं, मतलब नॉट द होल ऑफ यू, तुम पूरे ऐसे भाई खराब नहीं हो, अगली नहीं हो. ओके, नॉट ऑफ यू, तुम ऐसे नहीं हो. डैडी यस, हाँ मैं हूँ. पॉज, रुक जाता है. मिस्टर लैम, लेटर ऑन, बाद में, मतलब व्हेन इट इज़ अ बिट कूलर आई विल गेट द लैडर एंड अ स्टिक एंड पुल डाउन दोज क्रैब एप्पल्स, दे आर राइट फॉर इट. Then Mr. Lamb suddenly changes the topic. Means he doesn't want to make the boy feel bad. है ना, that's why he changes the topic. इसलिए वो topic change कर देता है और कहता है कि when it is a bit cooler, means there is change in the weather, he takes the ladder and the stick and then pulls down the crab apples. They are ripe for it, means in the season they are ripe, वो पक जाते हैं season में. And I make jelly. Then he makes jelly. ठीक है, using those crab apples. It is a good time of year, September. कहते हैं September का time बहुत अच्छा time है. Look at them, उनको देखो, orange and golden, कि ये जो fruits हैं, मतलब ये orange हो गए हैं, golden हो गए हैं. That's magic fruit, ये magic fruit है, I often say, but it is best picked and made into jelly. तो कहते हैं कि अच्छे अच्छे fruits को मतलब इकट्ठा किया जाता है और उनसे जेली बना दी जाती है. यू कुड गिव मी अ हैंड एंड ही आस्क हिम टू गिव ए हैंड, मीन्स टू हेल्प हिम. ओके, इन इन पिकिंग अप क्रैब एप्पल्स. तो कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरी हेल्प कर सकते हो इन क्रैब एप्पल्स को पिक करने में. डैडी, व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर? तो डैडी आस्क हिम व्हाई ही हैज चेंज द टॉपिक. पीपल ऑलवेज डू दैट. कहते हैं लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं, वो डरते हैं और इसीलिए जो है मतलब, और मिस्टर लैम भी डरता है इसीलिए उसने टॉपिक चेंज कर दिया है. व्हाई डोंट यू आस्क मी, आप मुझसे पूछते क्यों नहीं हो इस बारे में, चेहरे के बारे में. व्हाई डू यू डू व्हाट दे ऑल डू. कहते आप ऐसा क्यों कर रहे हो जैसा दूसरे लोग करते हैं एंड प्रटेंड, और आप ढोंग क्यों कर रहे हो कि इजंट ट्रू, कि ये बात सही नहीं है. मतलब आप ऐसा दिखा क्यों रहे हो कि आप मुझसे नहीं डरते हो. एंड इजंट देयर, क्या ऐसा नहीं है. इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट, I'll tell you, don't ask me because you are afraid to. हाँ हाँ, कहते हैं मत पूछो मुझसे, मैं कहता हूँ मत पूछो क्योंकि तुम डर रहे हो मुझसे, है ना, और लोगों की तरह डर रहे हो. मिस्टर लैम, यू वॉन्ट मी टू आस्क. अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं तुमसे इस बारे में बात करूँ. यू वॉन्ट मी टू आस्क, से सो. ओके चलो, देन टेल मी. डैडी, आई डोंट लाइक बींग विद पीपल, एनी पीपल. ही टेल्स हिम दैट ही डज नॉट लाइक द कंपनी ऑफ द पीपल. I should say to look at it, I should say you got burned in a fire. Mr. Lamb then notices his face closely and he says that perhaps it got burned in a fire. कहता शायद ये आग में जल गया तुम्हारा चेहरा. डैडी, not in a fire. No, no, fire में नहीं. I got acid all down that side of my face. Means it burned due to acid and it burned it all away. It ate my face up and it spoiled
ऑल हिज फेस, कहता सारा चेहरा ही उसने खराब कर दिया, मतलब उसका. इट एट मी अप एंड नाउ इट इज लाइक दिस एंड इट वुडंट एवर बी एनी डिफरेंट एंड ही सेज दैट ही विल रिमेन इट विल रिमेन एज इट इज एंड देर विल बी नो चेंज इन इट. कहता मेरा चेहरा ऐसा ही रहेगा, खराब सा दिखेगा और उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा. मिस्टर लैम नो, हाँ भाई कोई बदलाव तो नहीं आएगा. डेरी आरंट यू इंटरेस्टेड, क्या क्या बात आप नो कह रहे हैं, तो क्या बात आप इंटरेस्टेड नहीं है क्या मेरी बात सुनने में. मिस्टर लैम यू आर अ बॉय हु केम इनटू द गार्डन, कहता नहीं 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 तुम एक लड़के हो जो इस गार्डन में आए हो, बच्चे हो. एंड प्लांटेड डू एंड मीन्स ए नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम टू हिज गार्डन. आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी एंड ही टेक्स इंटरेस्ट इन एवरीबडी एनीथिंग एंड ऑल द थिंग्स. ही टेक्स इंटरेस्ट इन ऑल द थिंग्स ऑल्सो. There is nothing God made that doesn't interest me. There is nothing on the earth which means which he dislikes. जिन चीज़ों को dislike करता है ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है. Look over there, वहाँ देखो. Over beside the far wall, वो उस दीवार के पास इशारा करके बताता है. What can you see? बताओ बच्चे तुम क्या देख सकते हो. Derry, rubbish. Derry answers that he can see rubbish over beside the far wall. रबीश लुक बॉय लुक व्हाट डू यू सी. मिस्टर लैम अगेन आस्क हिम टू सी, दोबारा उसको कहता कि तुम देखो, फिर से देखो, ध्यान से देखो क्या दिखाई देता है. जस्ट ग्रास एंड स्टफ, कहता है केवल घास और मुझे स्टफ दिखाई दे रही है ना, ग्रास और इस तरह के का ही मतलब चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं. वीड्स खरपतवार, अनइम्पॉर्टेंट प्लांट्स जो होते हैं वो वीड्स होते हैं, ठीक है. सम कॉल दम वीड्स इफ यू लाइक देन अ वीड गार्डन दैट, कहते कुछ जो है इसको वीड्स बोलते हैं. इफ़ यू लाइक देन अ वीड, अगर आप चाहो तो इनको वीड बोल सकते हो तुम भी, और अगर तुम चाहो तो क्या कुछ और बोल सकते हो. अ वीड गार्डन दैट देयर इज फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स, यहाँ फ्रूट है वहाँ फ्लावर्स हैं एंड ट्रीज एंड हर्ब्स हैं ऑल सॉर्ट्स, और हर तरह के मतलब प्लांट्स लगे हुए हैं. बट ओवर देयर वीड्स, लेकिन वहाँ पर वीड्स लगी हुई है. आई ग्रो वीड्स देयर, ही टेल्स हिम दैट ही ग्रोज वीड्स ऑल्सो, है ना, वो वीड्स उगाता है. वाई इज़ वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ वीड एंड अनदर फ्लावर, ही आस्क वाई वाई अ ग्रीन प्लांट ग्रोइंग प्लांट इज कॉल्ड वीड एंड अनदर प्लांट इज कॉल्ड अ फ्लावर, वाई वाई इट इज़ सो, वेयर इज द डिफरेंस, कहते हैं कहाँ है डिफरेंस. इट इज़ ऑल लाइफ, मतलब सब में लाइफ है, सब में ज़िंदगी है, सब ग्रो करते हैं सेम एज़ यू एंड मी, जैसे तुम और मैं ग्रो करते हैं. तो मीन्स ही वॉन्ट्स टू टीच हेयर, यहाँ पर वो उसको बताना चाह रहा है डेरी को कि जो है अंतर हमारे एटीट्यूड में है किसी भी चीज़ को लेकर के, है ना. कोई भी चीज़ इस तरीके से मतलब वो नहीं होती, बुरी नहीं होती है, ठीक है. ही सेज दैट वीड्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू हिम बिकॉज दे ऑल्सो ग्रो and everything has its own importance and okay. So यहाँ पर वो ये बातें कह रहा है. So उनमें कोई अंतर नहीं है because both means flowers and weeds both grow. Okay. Derry, we are not the same. Derry says that they are not the same. कहता कि नहीं हम same नहीं हैं, है ना, हम एक जैसे नहीं हैं. मिस्टर लैम क्यों भाई, आई एम ओल्ड यू आर यंग, कहता है कि ठीक है मैं ओल्ड हूँ तुम यंग हो. यू हैव गॉट ए बर्न फेस, तुम्हारा बर्न फेस है. आई हैव गॉट अ टिन लेग, मेरी टिन की लेग है, है ना. तो कहता सेम है, क्या दिक्कत है. नॉट इम्पॉर्टेंट, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यू आर स्टैंडिंग देयर, तुम वहाँ पर खड़े हुए, आई एम सिटिंग हेयर और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ. वेर इज़ द डिफरेंस, बताओ कहाँ है डिफरेंस, है ना. तो वो कहना चाहता है कि भाई वो सेम है, मतलब डिसेबल्ड, वो दोनों ही डिसेबल्ड हैं. Derry, why have you got a tin leg? He inquires about his tin leg. फिर वो tin leg के बारे में inquiry करता है उसके कि भी उसकी tin की leg क्यों मतलब है. A real one got blown off years back. कहता कि जो real leg थी वो मतलब उसने खो दी, काफ़ी साल पहले खो दी. Lost his real leg means quite long time back. Lammy Lamb, some kids say, now some children call him Lammy Lamb. अब उसको Lammy Lamb मतलब कि लंगड़ा कह करके उसको बुलाते हैं. Haven't you heard them? You will. कहता है तुमने नहीं सुना, चलो नहीं सुना तो तुम सुन लोगे. Lammy Lamb, it fits. हाँ तो कहता है कि ये फिट करता है मुझे, मतलब it suits. Lammy Lamb, the name suits him.
डजंट ट्रबल मी, और मुझे ये ट्रबल नहीं देता, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती. डेरी, बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज, दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर. तो कहता है कि आप तो ट्राउजर्स में अपने पैरों को छुपा सकते हो, अपने उस पैर को छुपा सकते हो, है ना, एंड देन नोबडी विल बी एबल टू नोटिस इट एंड कमेंट ऑन इट. और उसको कोई स्टेयर नहीं करेगा, स्टेयर मीन्स घूरना. तो आपकी डिसेबिलिटी की तरफ तो कोई घूरेगा ही नहीं, क्योंकि ट्राउजर्स में वो पैर छुप जाएगा. मिस्टर लैम, सम डू, हाँ कुछ भाई करते हैं कमेंट, सम डोंट, कुछ नहीं करते हैं, दे गेट टायर्ड ऑफ इट, वो खुद ही थक जाते हैं इस चीज़ से इन द एंड, अंत में, है ना, मतलब उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए. भाई कुछ लोग कमेंट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, और उनकी वो खुद ही थक जाते हैं कमेंट कर करके. देर इज़ प्लंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट. और कहता है कि बहुत सी चीज़ें हैं दुनिया में घूरने के लिए, ध्यान से देखने के लिए. डेरी, लाइक माई फेस, अच्छा जैसे मेरा चेहरा है, है ना. मिस्टर लैम, लाइक क्रैब एप्पल, बच्चे मैं क्रैब एप्पल्स की बात कर रहा हूँ, और द वीड्स, और वीड्स की बात कर रहा हूँ, और स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन थ्रेड, सिल्कन लैडर, एंड ही इज टॉकिंग अबाउट स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन थ्रेड, मीन्स उसका जो वेब होता है, कि किस तरह से मकड़ी जो है सुंदर सा जाला बुनती है पतले पतले तारों के ऊपर चल चल करके ना, और माई टॉल सनफ्लावर्स, और मेरे जो सनफ्लावर्स हैं. तो इस तरह की खूबसूरत चीज़ें भी हैं दुनिया में देखने के लिए, है ना. डेरी, थिंग्स, चीज़ें, ये चीज़ें हैं. मिस्टर लैम, इट्स ऑल रिलेटिव, कहता है कि ये सब चीज़ें रिलेटिव हैं, आपस में मतलब जुड़ी हुई हैं, इंटरकनेक्टेड हैं. ब्यूटी एंड द बीस्ट, कहता है ब्यूटी एंड द बीस्ट, ब्यूटी एंड द बीस्ट का वो जिक्र करता है यहाँ पर. ये तो एक कहानी है, आपको पता है, जिसमें एक ब्यूटी नाम की लड़की बीस्ट से लव करती थी, ठीक है, और वो वैसे बीस्ट एक मॉन्स्टर था, बहुत ही बदसूरत था वो, पर फिर भी ब्यूटी ने उसके इसको दिल को देख करके प्यार किया, उसकी इनर गुडनेस को देख करके प्यार किया, एंड मीन्स शी एग्री टू मैरी विद हिम. ओके, एंड लेटर व्हेन शी किस्ड हिम ही टर्न्ड इनटू अ ब्यूटीफुल मॉन्स्टर. तो इसकी इनर गुडनेस को देख करके ये इम्प्रेस हो गई थी, उससे शादी के लिए हाँ किया था, ठीक है. तो यहाँ पर यही बात बताना चाह रहा है कि इनर गुडनेस जो होती है वो मैटर करती है, ना कि हमारी फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है. डेरी, व्हाट इज दैट सपोज टू मीन, इस बात का क्या मतलब है, ब्यूटी एंड द बीस्ट का कहते हैं क्या मतलब है. मिस्टर लैम, यू टेल मी, तुम बताओ मुझे क्या मतलब है. डेरी, यू नीड नॉट थिंक दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी बिफोर, कहता है आप ये मत सोचो कि लोगों ने मुझे ये फेरी जो स्टोरी है ये पहले नहीं बताई, इस तरह की कहानियाँ मुझे बहुत बताई हैं लोगों ने. इट्स नॉट व्हाट यू लुक लाइक, इसका ये मतलब है कि मतलब ये हम कैसे दिखते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इट्स व्हाट यू आर इनसाइड. इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अंदर से कैसे हैं. हैंडसम इज एज हैंडसम डज, तो कहते हैं कि हैंडसम तो वो है जो हैंडसम काम करता है, ठीक है. यानी कि डेरी नोज द मीनिंग ऑफ ब्यूटी एंड द बीस्ट, ही टेल्स दैट इट मीन्स हैंडसम इज व्हाट हैंडसम डज. ब्यूटी लव्ड द मॉन्स्ट्रस बीस्ट फॉर हिमसेल्फ, ओके, व्हेन शी किस्ड हिम ही चेंज्ड इनटू अ हैंडसम प्रिंस. सो ब्यूटी means started beauty or fell in love with the monster monster for himself, okay, and it was later only when she kissed him and he changed into a handsome prince. Only he wouldn't, लेकिन कहता है कि वो नहीं बदलेगा, ये भी बदल गया, monster भी बदल गया, लेकिन ये नहीं बदलेगा. He would have stayed a monstrous beast, ठीक है, और वो भी नहीं बदलता अगर वो उसको मतलब वो लड़की अगर उसको लव नहीं करती तो वो बदलता नहीं, वो मॉन्स्टर्स ही रहता वो, मतलब आई वुडंट चेंज, पर मैं नहीं बदलूंगा, ठीक है, मैं नहीं बदलूंगा, मतलब डेरी कह रहा है उसका चेहरा नहीं बदलेगा. कहानी में तो वो प्रिंस तो जो है वो मॉन्स्टर तो एक प्रिंस में बदल गया, लेकिन उसका चेहरा किसी भी कीमत पर नहीं बदलेगा, वो तो ऐसा ही बदसूरत दिखेगा. मिस्टर लैम, इन दैट वे, उस तरीके से जैसे मतलब मॉन्स्टर बदला प्रिंस में, ऐसे नो यू वुड, नहीं ऐसे तो भाई नहीं बदलोगे, ऐसे तो चेंज नहीं होगा तुम्हारा चेहरा, है ना. एंड नो वन विल किस मी, डैडी कहता है, और कोई भी उसको प्यार भी नहीं करेगा, ओनली माई मदर, केवल मेरी माँ ही प्यार करती है, कहता है. एंड शी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस एंड शी ऑल्सो किसेस हिम ऑन द राइट साइड ऑफ हिज फेस, राइट मीन्स विच इज़ नॉट बर्नड, ओके. एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी एंड ही डज नॉट लाइक इट, मीन्स ही डज नॉट लाइक हिज मदर्स किसिंग हिम, शी डज इट बिकॉज शी हैज टू, मीन्स शी डज इट आउट ऑफ कंपल्शन बिकॉज ही इज़ हर सन. Why should I like that? कहते हैं मुझे ये चीज़ क्यों अच्छी लगेगी. I don't care if nobody ever kisses me. और कहता है मैं केयर भी नहीं करता हूँ कि भाई अगर कोई मुझे प्यार ना करे तो मैं केयर नहीं करता हूँ, मत करे कोई. मिस्टर लैम, ए
बट डू यू केयर इफ यू नेवर किस देम? लेकिन तुम केयर करते हो कि अगर तुम किसी को प्यार ना करो तो? व्हाट? कहते क्या मिस्टर लैम? गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स, नहीं मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ, सुंदर लड़कियाँ, लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आईज, पीपल यू लव, है ना, वो लोग जो जिनको तुम प्यार करते हो, तो कोई फर्क पड़ता है अगर तुम उनको प्यार ना करो तो? डेरी, हु वुड लेट मी, नॉट वन, कहते कौन करने देगा मुझे प्यार, कौन करने देगा अपने आप को, नॉट वन, कोई भी नहीं करने देगा. मिस्टर लैम, हु कैन टेल, कहता है ये कौन जाने, इस बारे में कौन क्या बता सकता है. डेरी, आई वुडेंट ever look different. He says that he would not look different, means his face would remain same. When I'm as old as you, कहते मैं तुम जितना बड़ा हो जाऊँगा तब भी मैं ऐसा ही दिखूँगा. I'll look the same. I'll still only have half a face. मेरा हमेशा half face रहेगा, यानी आधा चेहरा ही ठीक रहेगा, आधा तो ये खराब ही रहेगा. मिस्टर लैम, हाँ so you will. हाँ तो तुम ऐसे तो रहोगे भाई, ऐसा तो कुछ चेंज नहीं होने वाला है. But the world wouldn't, लेकिन world change नहीं होगा. सॉरी, वर्ल्ड जो है वो ऐसा नहीं रहेगा. भाई तुम्हारा चेहरा तो खैर ऐसा ही रहेगा, है ना, लेकिन वर्ल्ड ऐसा नहीं रहेगा. इसका मतलब लोगों की राय, लोगों का एटीट्यूड उसके प्रति ऐसा नहीं रहेगा. द वर्ल्ड हैज़ गॉट अ होल फेस, है ना, तो कहता है कि जो वर्ल्ड है उसका होल फेस है. यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है मिस्टर लैम? मिस्टर लैम वॉन्ट्स टू से दैट वी मीन्स वी टेक द वर्ल्ड एज ए होल. ओके, देयर आर मैनी थिंग्स, पीपल and means places which we don't like, still we love the world, still means we don't hate the world as a whole. Okay, means there are many beautiful things also which attract us and which we like, so we should accept the world with something good and something bad, and the world is there to be looked at. Aur duniya mein bahut si cheeze hain dekhne ke liye, yani achhi cheeze bhi hain. Okay, तो यानी कि मतलब ऐसा नहीं होता कि दुनिया में अगर हमें कुछ लोग पसंद नहीं है, कुछ चीज़ें पसंद नहीं है, कुछ जगह पसंद नहीं है, तो हम पूरी दुनिया से ही नफरत करने लग जाते हैं. ऐसा नहीं है. वी टेक द वर्ल्ड एज ए होल. ओके, एंड मीन्स वी एक्सेप्ट द वर्ल्ड एज विद समथिंग बैड एंड समथिंग गुड. सो ही ट्राइज टू टीच डैडी दैट ही शुड ऑल्सो एक्सेप्ट हिमसेल्फ विद समथिंग गुड एंड समथिंग बैड, कि डैडी को भी अपने आप को कुछ अच्छाई और कुछ बुराई के साथ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और दुनिया का एटीट्यूड एक दिन जो है जरूर बदल जाएगा. दुनिया ऐसी नहीं रहेगी. ठीक है डैरी, डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड, आप क्या सोचते हो ये दुनिया है, ये आपका गार्डन, दिस ओल्ड गार्डन. मिस्टर लैम, यस व्हेन आई एम हियर, हाँ ये दुनिया है जब मैं यहाँ पर होता हूँ. एंड नॉट द ओनली वन, और केवल यही गार्डन नहीं, बट द वर्ल्ड, लेकिन पूरी दुनिया ही दुनिया है भाई. एज मच एज एनीवेयर, ठीक है, बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर, और मैं अगर कहीं भी हूँ तो वो मेरे लिए दुनिया है. मतलब ये भागता नहीं है किसी भी चीज़ से. डैरी, डज योर लेग हर्ट यू, क्या तुम्हारी लेग में मतलब पेन होता है? ही आस्क इफ हिज लेग मीन्स हर्ट्स हिम व्हेन इट केम, कहते हैं टिन डजंट हर्ट बॉय, नहीं टिन से हर्ट नहीं होता लड़के. व्हेन इट केम ऑफ डिड इट, क्या जब ये मतलब इसको रिमूव किया गया था तब दर्द हुआ था? सटनली, कहते हैं हाँ तब तो हुआ था. एंड नाउ, और अब, आई मीन वेयर द टिन स्टॉप्स, जहाँ मतलब टिन रुकती है, मतलब मेरा मतलब है वहाँ पर दर्द होता है, एट द टॉप, टॉप में जहाँ पर उसका जो पैर है, मतलब जहाँ वो टिन से अटैच्ड है, तो क्या कहते हैं वहाँ दर्द होता है? मिस्टर लैम, नाउ एंड देन ओकेजनली, ओकेजनली ही मतलब ओकेजनली इट एक्ट्स, है ना, तो कभी कभी ये दर्द करता है. मतलब इन वेट वेदर, खास करके वेट मतलब कि सर्दी के और या फिर मतलब जो ठंडा सा मौसम हो जाता है ना, रेनी सा वो हो जाता है, तो उस वक्त जो है उसको पेन होता है. इट डजेंट सिग्निफाई, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता. मीन्स ही इज हैबिचुअल. ओ दैट समथिंग एल्स दे ऑल से, हाँ अरे ये चीज़ है जो वो कहते हैं. लुक एट ऑल दोज पीपल, उन लोगों को देखो हु आर इन पेन, जिनको पेन होता है, एंड ब्रेव, और फिर भी बहादुर होते हैं. आई नेवर क्राई, वो जो कभी नहीं रोते हैं. आई नेवर कंप्लेंट एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्स, और कभी भी कंप्लेंट भी नहीं करते हैं और सॉरी भी फील नहीं करते हैं. कहता है अरे आप उन लोगों में से हो जो जिनके बारे में मतलब लोग बताते हैं मुझे कि भाई
मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ है, मेरे तो सिर्फ चेहरा ही जला है। दुनिया में उन लोगों के बारे में सोचो जिनको बहुत पेन होता है और फिर भी बहादुरी से बिहेव करते हैं, बहादुरी से रहते हैं, कभी क्राई नहीं करते, कभी कंप्लेन नहीं करते और अपने लिए कभी खेद भी फील नहीं करते, अफसोस भी नहीं करते कि भी उनके साथ इस तरीके का हो गया है। मिस्टर लैम, आई हैवंट सेड इट। तो कहता है कि नहीं, मैंने तो ये बात नहीं बोली है। आई हैवंट सेड इट, मैंने तो ऐसा नहीं बोला डैडी। एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू। और हाँ, उस चीज़ों के बारे में भी सोचो जो मतलब ऑफ ऑल दोज पीपल, यानी कि उन लोगों के बारे में भी सोचो उन जिनके साथ तो तुमसे भी ज़्यादा बुरा हुआ है। थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, सोचो तुम अंधे हो सकते थे, बोन डेफ, जन्म से ही बहरे हो सकते थे और हैव टू लिव इन अ व्हील चेयर, और मतलब वो लंगड़ा हो सकता था या उसके पैर ही बिल्कुल वैसे ख़राब हो सकते थे और उसको व्हील चेयर पर ही रहना पड़ सकता था, और बी डेफ, डेफ मीन्स फुलिश, और वो मूर्ख भी हो सकता था इन योर हेड एंड ड्रिबल, और ड्रिबल का मतलब क्या होता है, मीन्स टू अलाउ सलीवा टू फ्लो, सलीवा को मतलब गिरने देना, लार गिरती रहना। तो लार कब गिरती है, जब आदमी अपने होशो हवास में नहीं रहता। तो लोग उसको बताते हैं कि भाई तुम उन लोगों के बारे में सोचो जिनकी हालत तुमसे बहुत ज़्यादा बुरी है, अभी तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है कि भाई तुम अंधे भी हो सकते थे, बोन डेफ भी हो सकते थे, या व्हील चेयर पर भी रह सकते थे तुम, और मूर्ख भी बन सकते थे, और लार भी तुम्हारी मतलब गिरती रहती, इस तरीके के भी तुम्हारे साथ हो सकता था। ठीक है मिस्टर लैम, एंड दैट्स ऑल ट्रू। हाँ तो ये कहता है सच है, बिल्कुल सही बात है, जो लोग तुम्हें ये बात कहते हैं तो ये बात बिल्कुल सही कहते हैं। एंड यू नो इट, और तुमको ये बात पता है डैडी। इट वुडंट मेक माई फेस चेंज, बट ऑल दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू चेंज हिज फेस। कहता लेकिन ये सब चीज़ें मेरा चेहरा तो नहीं बदलने वाली ना। डू यू नो, क्या आपको पता है, वन डे वूमन वेंट बाई मी इन द स्ट्रीट, आई वॉज एट अ बस स्टॉप एंड शी वॉज विद अनदर वूमन एंड शी लुकड एट मी एंड शी सेड विस्पर्ड Only I heard her. She said, "Look at that. That is a terrible thing. That's a face only a mother could love." So वो बताता है कि एक बार एक लेडी मतलब वो बस स्टॉप पे खड़ा हुआ था, एक मतलब he was standing at a bus stop and from there a lady passed by along with another मतलब woman. Okay, तो जो उस woman ने क्या बोला दूसरी woman से कि मतलब his face was extremely ugly, okay, and it was such a face which a mother could love only, जिसको केवल उसकी माँ ही प्यार कर सकती थी, इतना भद्दा उसका मतलब चेहरा था, terrible थी। ठीक है, तो ये उसने औरत ने उसके बारे में बोला। तो कहते एक बार औरत ने ऐसा सा बोला मुझे, मिस्टर लैम, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन, ही आस्क इफ ही बिलीव्स एवरीथिंग वट ही हियर्स। तो कहते तो जो तुम बातें सुनते हो सब चीज़ों पर विश्वास कर लेते हो। इट वॉज क्रूअल, कहता है बहुत बुरी बात थी, मतलब ये बहुत ही अनचैरिटेबल रिमार्क था, मे बी नॉट मेंट एज सच, जस्ट समथिंग सेट। तो कहता है शायद उसका हो सकता है वो मतलब ना हो जो तुमने लिया, जस्ट समथिंग सेट, शायद हो सकता है कि बिटवीन देम कि वो उन शब्दों में कुछ और कहना चाहती हो, है ना, परहैप्स शी माइट मीन समथिंग एल्स विच ही कुड नॉट मेक आउट। डेरी ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड, कहता नहीं मैंने तो यही सुना था। ठीक है मिस्टर लैम, एंड इज़ दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ, और क्या केवल एक यही बात है जो तुमने सुनी अपनी ज़िंदगी में। ओ नो, कहते नहीं, आई हैव हर्ड ए लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सी बातें मैंने सुनी हैं अपने खिलाफ, बहुत ज़्यादा बातें सुनी हैं। मिस्टर लैम, सो नाउ यू कीप योर ईयर शट, तो अब तुम अपने मतलब कानों को ना बंद रखो, मतलब इस तरह की चीज़ों को तुम इग्नोर करो। ठीक है ना डेरी, यू आर पिक्यूलियर, कहते हैं आप बड़ी अजीब बातें करते हो, यू से पिक्यूलियर थिंग्स, बहुत ही अजीब बातें बोलते हो, यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड एंड ही आस्क सच क्वेश्चंस विच ही डज नॉट अंडरस्टैंड। मिस्टर लैम, आई लाइक टू टॉक, कहते भाई मुझे बातें करना अच्छा लगता है, एंड ही लाइक्स कंपनी ऑल्सो, यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, द गेट इज ओपन, एंड ही सेज दैट इफ ही डजंट लाइक आंसरिंग हिज क्वेश्चंस देन ही कैन लीव, हिज गेट इज ऑलवेज ओपन, ही डज नॉट कंपेल एनीवन। ओके, कहता है वो किसी को मजबूर नहीं करता, अगर वो जाना चाहता तो जाए, और आंसर उसको नहीं देने तो ना दे। डैडी यस, कहता है हाँ बट परंतु, मिस्टर लैम, आई हैव ए हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर, ही टेल्स दैट ही हैज ए बीहाइव बिहाइंड द ट्रीज, कहता है पेड़ों के पीछे एक ना मधुमक्खी का छत्ता है उसके पास, सम हियर बीज एंड दिस से बीज बस, बज मीन्स भिन भिनाना, शोर करना, बट वेन यू लिसन टू बीज फॉर अ लॉन्ग वाइल दे हम, हम मीन्स सिंग एंड हम मीन्स सिंग, आई हियर देम सिंगिंग माई बीज,
ही टेल्स दैट मीन्स मैनी पीपल हियर द बीज बजिंग एंड फॉर सम पीपल द बीज आर क्रिएटिंग बीज क्रिएट नॉइज बट फॉर सम अदर्स बीज सिंग ब्यूटिफुल सॉन्ग. ओके सो इट डिपेंड्स ऑन देयर एटीट्यूड हाउ दे टेक द बीज बजिंग. ये तो डिपेंड करता है लोगों के ऊपर कि कैसे वो बीज के बजिंग को कैसे लेते हैं. कुछ लोगों को ये अननेसेसरी साउंड लगता है, शोर लगता है, और कुछ लोगों को जो है ये उनका सिंगिंग लगता है. आई हियर देम सिंगिंग और मुझे तो उनको मतलब सुनना बहुत पसंद है, उनको सिंगिंग करते हुए सुनना मेरी बीज को. डैडी बट आई लाइक इट हियर, कहता है बट ही लाइक्स हिज गार्डन, ही लाइक्स टू बी इन द गार्डन. आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट, कहता मुझे ये अच्छा लगा इसलिए मैं यहाँ पर आया. व्हेन आई लुक ओवर द वॉल, जब मैंने वॉल के ऊपर से देखा था. मिस्टर लैम इफ यू हैड सीन मी यू वुड नॉट हैव कम इन, कहता कि अगर तुम मुझे देख लेते ना तो नहीं आते तुम यहाँ पर. नो, कहता हाँ नहीं आता. मिस्टर लैम नो नहीं आते ना. डैडी इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग, कहता हाँ ये ट्रेसपासिंग होती. ट्रेसपासिंग मीन्स टू एंटर समवंस प्रॉपर्टी विदाउट टेकिंग परमिशन, बिना परमिशन के किसी की प्रॉपर्टी में एंटर करना. तो कहता कि हाँ ये ट्रेसपासिंग हो जाता तो इसलिए मैं मतलब तुम्हें देख लेता तो मैं नहीं आता. ए दैट्स नॉट वाई, कहता नहीं ये रीज़न नहीं है. आई डोंट लाइक बींग नियर पीपल, कहता कि हाँ एक और रीज़न है कि भाई मैं लोगों के साथ मतलब रहना पसंद नहीं करता, मैं लोगों की कंपनी में नहीं आना चाहता. अगर मैं आपको देख लेता तो मैं नहीं आता क्योंकि मैं मतलब लोगों के पास ही नहीं जाना चाहता. वेन दे स्टेयर, जब वो घूरते हैं ना, वेन आई सी देम बींग अफ्रेड ऑफ मी, तो मैं इनको देख लेता हूँ कि वो मुझसे डर रहे होते हैं. यानी कि वो क्यों नहीं जाना चाहता, ही डज नॉट लाइक द कंपनी ऑफ द पीपल बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ हिम एंड दे स्टेयर एट हिम, उसकी तरफ घूरते हैं, ठीक है, उसे डरते हैं, तो इसलिए वो उनके पास नहीं जाना चाहता. मिस्टर लैम यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन ए रूम एंड नेवर लीव इट, कहता कि तुम अपने आप को एक रूम में कन्फाइन कर सकते हो, अपने आप को एलिनेट कर सकते हो और इसको कभी ना छोड़ो, है ना, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का. देर वॉज अ मैन हु डिड दैट, एक आदमी ने ऐसा ही किया था एक बार, अपने आप को एक रूम में एलिनेट कर लिया, कन्फाइन कर लिया. ठीक है, तो यहाँ तक करते हैं. थैंक यू.